जो है एल्बो ज्वाइंट, तो एल्बो ज्वाइंट में, और देखो कहानी खत्म नहीं होती, ये चीज ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये खत्म कर रहा हूँ, मैंने आपको ये बता दिया कि दो तीन चीजें, लिगामेंट्स बोन टू बोन अटैचमेंट करवाएंगे, हर हर जॉइंट्स के बीच में कैप्सूल्स और सिनेब्रल मेम्ब्रेन कॉमन है, लिगामेंट्स कॉमन है, बट जो लिगामेंट्स की अटैचमेंट होनी है वो लिगामेंट्स की हमारे फंक्शन के ऊपर होनी है, वो जबरदस्ती नहीं हो रही है। अगर हमने इसको बॉल सॉकेट कहा है तो इट मींस क्या हुआ कि हमें इसमें रोटेशन भी करवानी है और सर्कमफ्लेक्शन भी करवानी है, तो जब दोनों करवानी है तो हमें क्या होगी, हमें लिगामेंट्स जो होंगी इनके एंटीरियर भी पोस्टीरियर सुपीरियर भी देनी होगी, और इनफीरियरली हमें कुछ चाहिए नहीं क्योंकि एक्सिलरी पार्ट है हमारा, कोई दूसरा हमें मूवमेंट चाहिए नहीं, ठीक है। अब एल्बो ज्वाइंट में, एल्बो ज्वाइंट में हम वहां से उठाते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, कौन सा टाइप है, हिंग ज्वाइंट। हिंग ज्वाइंट में क्या होता है फंक्शन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। अब सिंपल चीज है कि जब मुझे अभी एक मूवमेंट चाहिए था ग्लाइड का, जो कि हमने स्टर्नोक्लेविकुलर और एक्रोमियोक्लेविकुलर हमने सिर्फ ग्लाइड मूवमेंट कहा, तो हमने क्या कहा कि हम इसकी ज्यादा वैल्यू क्यों दें, ज्यादा लिगामेंट्स क्यों अटैचमेंट करवाएं, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि वहां लिगामेंट्स और है ही नहीं भाई, सुपीरियर स्ट्रक्चर को ऑलरेडी एक्रोमियो क्लेविकल कोरेको एक्रोमियो ऑलरेडी उसी एक लिगामेंट्स अटैचमेंट था, अब क्लेविकल को आना है, आके अटैच होना है और उनको हम और ज्यादा स्ट्रेंथ दे देते हैं, यानी कि इनफीरियरली भी और सुपीरियरली भी, यही चीज यहाँ पे फॉलो होती है कि जब हम फॉर एग्जाम्पल हिंग ज्वाइंट है, हमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन चाहिए, और हमें एक और चीज ध्यान में रखनी है, इसीलिए देखो सरफेस एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब आपको बोन्स के पार्ट्स स्ट्रक्चर्स पता है तो इजिली आपको दूसरा कुछ एड इसमें नहीं करना होता है, हमें पता है कि अल्ना को हमें ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अल्ना ऑलरेडी ओलेक्नॉन फोसा से अटैच है, उसको क्या करना है, बस उसको हेल्प ये करना है कि उसको स्टेबल कर देना है, तो स्टेबल के लिए क्या क्या फंक्शन आ रहे हैं, कैप्सूल्स आ रहे हैं, अभी बताऊंगा एक और यूनिक चीज, कैप्सूल्स आ रहे हैं और कैप्सूल्स वो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कि मैंने बताया कि वाटर सर्फेस को फॉलो करेंगे, इसमें जो रेडियस है उस रेडियस की अटैचमेंट सबसे नहीं होती है, इसकी दो ही लिगामेंट्स यहां होंगी, वो भी मैं आता हूं, सबसे पहले फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवा रहा है तो इसमें दो टाइप्स के लिगामेंट्स होंगे, ये समझ लो, एक होगा एनुलर लिगामेंट जो कि क्या है फाइबरस लिगामेंट है, क्यों, क्योंकि जब ये फ्लेक्शन कर रहा है या एक्सटेंशन कर रहा है तो ये वाला पार्ट जो एनुलर लिगामेंट है ये क्या है, स्टेबल है, समझ रहे हो, स्टेबल है। अब जब ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर रहा है तो ये क्या है, दो जो सेकंड लिगामेंट्स हैं यानी कि मीडियल कोलेटरल लिगामेंट्स और लैटरल कोलेटरल लिगामेंट्स, ये क्या हो रही है, ये इलास्टिक लिगामेंट्स है, यानी कि क्या हो रही है, ये स्ट्रेच हो रही है, जब भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रही है ये स्ट्रेच हो रही है, और एक यूनिक चीज क्या है कि जो हम कह रहे हैं कि जो एनुलर लिगामेंट्स है वो एनुलर लिगामेंट्स जब एंटीरियरली आता है, आप सिंपली देखो अगर एंटीरियर मैं कहूं कि कोई भी एबीसीडी